अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर और प्याज का पराठा, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये आटा जो हम चपाती के लिए या पराठे के लिए गूंद करके रखते हैं, ये वो आटा मैंने लिया है और मैंने अपने दो वीडियो में आटा गूंदते हुए भी दिखाया है। आप उसको आलू के पराठे के नाम से, प्याज के पराठे के नाम से सर्च कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने दो बड़े प्याज बारीक कटे हुए लिए हैं, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया लिया है, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई ली है और ये 200 ग्राम के करीब पनीर है। ये मेरे घर का पनीर है, आप मेरे चैनल पे पनीर की रेसिपी भी देख सकते हैं। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने चाट मसाला लिया है 1/4 टीस्पून के करीब, और 1/4 टीस्पून के करीब ही लाल मिर्च लिया है। आप तीखा ज्यादा पसंद करते हैं तो मिर्चें आप बढ़ा सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में बेल आइकन का यूज करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये मैंने तेल रख दिया गरम होने के लिए, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून तेल डाला है, बहुत ज्यादा तेल का यूज नहीं करेंगे। तो तेल हमारा गरम हो चुका है, सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे प्याज। और प्याज हमें हल्के से सौते करनी है, बहुत ज्यादा इसको कलर नहीं देना है, बस हल्के से सॉफ्ट हो जाए। और ये हरी मिर्च भी हम साथ में डाल देंगे। बहुत अच्छा पराठा बनकर तैयार होता है, इसको हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। देखिए प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हमने जो लाल मिर्च ली थी वो ऐड कर देंगे, और ये जो चाट मसाला लिया था हम ये भी ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि आटे में भी हमारे नमक होता है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने अपने सभी मसाले मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे पनीर, देखिए हमने पनीर भी ऐड कर दिया इसी में। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। आंच आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। ये मैंने कद्दूकस कर लिया था, आप चाहें तो हाथों से क्रम्बल करके भी डाल सकते हैं। आप मार्केट का भी पनीर यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया जो हमने लिया था, इसको भी मिला देंगे अच्छे से। और इस स्टफिंग को अपने प्लेट में निकाल के, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है स्टफिंग, ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसको हम दूसरी प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे ताकि स्टफिंग हमारी जल्दी से ठंडी हो जाए। इसमें हमने नमक नहीं डाला है, नमक ऐड कर देंगे 1/3 चम्मच के करीब। देखिए हमने नमक भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं। देखिए स्टफिंग हमने ठंडी कर ली है और इधर मैंने पेड़े भी बना लिए अपने। तब अपना पराठा हम बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा सूखा आटा ले लिया है, तो हम इसको डिप करेंगे इस आटे में इस तरीके से। इसको हम बढ़ा लेंगे और इसकी हम एक रोटी बेलकर तैयार करेंगे इस तरीके से। बहुत ज्यादा छोटी नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, जिस हिसाब से पराठे आपको बनाने हैं उस हिसाब से रोटी बेल ले इस तरीके से। और बहुत आसान है, क्योंकि बहुत से लोगों से भर के नहीं बनता, ये बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए हमने रोटी बेल ली है। अब इसके हम एक साइड पे पनीर रख देंगे। अगर आप ज्यादा स्टफिंग पसंद करते हैं तो आप ज्यादा डाल लें, 2 टेबल स्पून के करीब। और इसको हम आधी रोटी में इस तरीके से फैला देंगे इस तरीके से, इस तरीके से फैला देंगे। और ये मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, किनारों पे हम पानी लगा देंगे ताकि हमारा पराठा अच्छे से चिपक जाए, फूले नहीं। इस तरीके से हम पानी ऐड कर लगा देंगे चिपकने के लिए। और इस साइड पकड़ के हम दूसरी साइड ऐसे फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके हम इसको अच्छे से चिपका लेंगे। ये
ये देखिए, आप चाहें तो इसको यूं भी सेक सकते हैं और चाहे तो थोड़ा सा रोलर पिन से बेलकर इसको बढ़ा भी सकते हैं। देखिए इसको हम हाथों से यूं ही बढ़ा लेंगे, बेलने की भी जरूरत नहीं है। इस तरीके से बहुत आराम से ये देखिए, इधर हमारा तेल भी गर्म है, सॉरी तवा भी गर्म है, इसमें हम हल्का सा ऑयल डाल देंगे, इसको अच्छी तरीके से फैला देंगे पूरे उसमें। और आंच हमें लो टू मीडियम के बीच में रखनी है। अब इस पराठे को हम अपने इस तरीके से डाल देंगे और एक साइड इसकी जब सिक जाएगी तब इसकी हम साइड चेंज करेंगे। ये पराठा सिक रहा है तब तक हम अपना दूसरा पराठा तैयार कर लेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा हम सूखा आटा लगा लेंगे, एक रोटी इसको भी तैयार कर लेंगे। देखिए पराठा हमारा सिक चुका है, इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। अब दूसरी तरफ भी हम इसको सिक जाने देंगे। देखिए हमारी दूसरी रोटी भी बेल कर तैयार हो गई है। अब इस पर भी हम आधी रोटी पे स्टफिंग रख देंगे इस तरीके से। ये देखिए इस दूसरे पराठे का भी हम अपना ध्यान रखेंगे। अब इसमें हम चारों तरफ पानी लगा देंगे अच्छे से, ताकि इसकी साइडें चिपक जाएं, फूले नहीं वो। देखिए किनारा पकड़कर हम ऐसे मोड़ देंगे। देखिए दूसरा पराठा भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इस वाला पराठा भी हमारा सिक गया है, इसमें भी हम तेल लगा लेंगे। आप घी भी लगा सकते हैं, मक्खन भी लगा सकते हैं या तेल भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो लगा लें। इस तरीके से हम इसमें तेल ऐड कर देंगे। ये देखिए इसको हम दोनों साइड से अच्छा कलर आने तक सेक लेंगे। दूसरी साइड पे भी हम तेल लगा देंगे इसके। अब इसको हम सेक लेंगे अच्छे से उलट पलट कर। देखिए दबा दबा कर, जब इस तरह हम दबा के अपने पराठे सेकते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी पराठे तैयार होते हैं। देखिए अच्छा ब्राउन कलर आ जाना चाहिए दोनों साइडों पे। देखिए पराठा हमारा दोनों तरफ से सिककर तैयार हो गया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम अपना दूसरा पराठा भी तैयार कर लेंगे हाथों से ही बढ़ाकर। देखिए इस तरीके से, देखिए इसकी भी साइड हम चेंज कर लेंगे, इसको भी दूसरी तरफ से सिक जाने देंगे। उसके बाद हम इसमें तेल लगाएंगे। दोनों साइड से अच्छा कलर आ गया इसमें। अब इसमें हम तेल लगाएंगे। देखिए इसके लिए हम साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही तेल लगा देंगे। देखिए और इसको दबाकर दोनों साइड से अच्छा कलर आने तक इसको हम सेक लेंगे। तरीके से ये देखिए दूसरा पराठा भी हमारा दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है। अब इसको भी हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम अपने सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए पनीर और प्याज का पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप इसको अचार के साथ या धनिया की चटनी के साथ या सॉस के साथ जिस तरह आपको पसंद है उस तरह खा सकते हैं। तो ये रेसिपी भी हमारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारी रेसिपी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और आप अपने प्यारे प्यारे से कमेंट में हमें जरूर बताइए।
आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। तो फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।